हेलो दोस्तों, बायोग्रेन चैनल पर आपका एक बार और फिर से स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फिश फार्म मैनेजमेंट। ओके, फर्स्ट हेडिंग के अंडर में हम लोगों ने व्हाट आर द मेथड्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि फिश फार्म मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं, ये चीज डिस्कस की थी। वेल, सेकेंड कंटेंट में हम लोगों ने बहुत सारे हैचरी यूनिट्स होते हैं या पिट्स प्रेजेंट है, चाइनिंग हैचरी सिस्टम्स है, देन इतने सारे टाइप्स ऑफ जितने भी हमारे पास में अवेलेबल थे, अराउंड 7 से 8 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज हैचरिंग यूनिट्स, राइट। नाउ लास्ट सेक्शन में हम लोगों को ये चीज डिस्कस करना है कि हाउ एक्वेटिक वीड्स और एक्वेटिक प्रेडेटरी इंसेक्ट्स आर कंट्रोल्ड फॉर द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ द नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड। सो ये तीन जो हमारे पास में सेक्शन है, हमको इनको कवर करना है। एंड इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरियाज फॉर रेयरिंग पॉन्ड, नर्सरी पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड्स के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी पॉन्ड के साथ में, कि नर्सरी पॉन्ड्स को मैनेज करने की जरूरत क्या है या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें आते हैं। सो यूजुअली जितने भी स्टॉकिंग वैरायटीज होते हैं या जो नर्सरी पॉन्ड में ग्रो होने वाले वैरायटीज होते हैं, ये सारे के सारे एक स्पेसिफिक हैबिटेट कैरी कर रहे होते हैं और एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट चाहिए होता है इनको, ठीक है। सो नर्सरी पॉन्ड जो है, एक्चुअली नर्सरी पॉन्ड जो है अराउंड 0.2 हेक्टर के अराउंड का होता है, रेयरिंग पॉन्ड जो है वो 0.8 हेक्टर का होता है एंड स्टॉकिंग पॉन्ड जो है दैट इज 3.0 हेक्टर का होता है। ओके, सो यूजुअली यूरोपियन कंडीशंस में हम इनको नर्सरी पॉन्ड्स को ज्यादा देखते हैं। सो देखिए कि मॉर्टेलिटी ऑफ स्पॉन्ड्रेट की अगर बात करें तो मॉर्टेलिटी ऑफ स्पॉन्ड्रेट किस फैक्टर्स पे या कॉन्से बेसिस पे डिपेंड करता है, या हमको नर्सरी पॉन्ड को अगर मेंटेन करना है तो हमको क्या करना चाहिए। सो फॉर एफिशियंट पॉन्ड कल्चर वेल प्रिपेयर्ड नर्सरीज आर रिक्वायर्ड। ओके, वेल प्रिपेयर्ड नर्सरीज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल इट। सो व्हाट आर द स्मॉल और सीजनल वेरिएशंस जिसकी वजह से हमको इसको मेंटेन करना पड़ता है, तो द फॉलोइंग थिंग्स आर असेंशियल फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ नर्सरीज। फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले एक्वेटिक इंसेक्ट्स और उसका कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड, कंट्रोल ऑफ प्रेडेटरी एंड विड फिशेस, इनका कंट्रोल होना जरूरी है। देन थर्ड एस्पेक्ट पे अगर देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है पॉन्ड में, बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन फैक्टर नहीं रहेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वही लास्ट है कंट्रोल ऑफ अलगल ब्लूम, अलगल ब्लूम को कंट्रोल भी करना उतना ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। कौन से रीजंस है जिसके वजह से हम लोग नर्सरी पॉन्ड में बहुत ज्यादा क्वांटिटी वाइज या क्वालिटी हम लोग गेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। सो कंसिडरेबल डिफरेंसेस, कंसिडरेबल डिफरेंसेस जो होते हैं फिजिको केमिकल कंडीशन वाटर में ऑफ नेसेसरी एंड ब्रीडिंग हाइपर, देन लैक ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिश फूड इन द नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड में फूड का एडिक्वेट अमाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं रहा तो दिक्कत होगी। देन वोरेसिटी ऑफ प्रेडेटरी फिश फ्राई, वोरेसिटी काउंट होना चाहिए। देन प्रेडेटरी प्रोपेंसिटी ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स को भी मिलना चाहिए। देन प्रेडेटरी नेचर ऑफ मिनोज एंड अदर अनवांटेड फिशेस, कैनिबलिज्म अमंग द कार्प फ्राई, चेंज इन वाटर टेम्परेचर जो है ये सीजनल वेरिएशन है। देन ओवर ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड ओवर ग्रोथ ऑफ मैक्रो वेजिटेशन जो है, ये सारे पॉइंट्स जो है ये कवर होते हैं, जहां पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को अगर एक स्टॉकिंग मटेरियल को अच्छी तरीके से सक्सेसफुली रेयरिंग करना है इन नर्सरी पॉन्ड, तो ये सारे चीजों को ध्यान रखना होगा। वही नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ रेयरिंग पॉन्ड कैसे किया जाए। सो रेयरिंग पॉन्ड को मैनेज करने के लिए इट इज एम टू कल्चर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन मेजर कार्प, इंडियन मेजर कार्प का मैक्सिमम नंबर इनमें होता है, फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कम टाइम में हम इनको बहुत अच्छी तरीके से आराम से ग्रो कर लेते हैं। सो कौन से फैक्टर्स है या इनको टास्क कौन से दिए जाते हैं। सो फर्स्ट टास्क इज रिमूवल ऑफ वीड, सबसे पहले रिमूवल करना है वीड का। सेकेंडली एलिमिनेशन ऑफ प्रेडेटरी एंड विड फिशेस। देन थर्ड है फर्टिलाइजेशन। फोर्थ है स्टॉकिंग रेट मेंटेन करना। फिफ्थ है सप्लीमेंट्री फीडिंग एंड सिक्स्थ है आपके पास में हार्वेस्टिंग। सो लास्ट स्टेज जो रहेगी वो हार्वेस्टिंग रहेगी, एंड इसको प्रॉपरली हार्वेस्ट करके हम लोग अच्छे से
मैनेजमेंट कर सकते हैं रेयरिंग पॉन्ड का, ठीक है। सो स्टॉकिंग साइज ऑफ रेयरिंग पॉन्ड जो होता है वो पेरेनियल के लिए अराउंड 25.4 टू 50.8 एमएम का होता है, ठीक है। वाइल ड्यूरेशन टाइम पीरियड अगर देखेंगे रेयरिंग पॉन्ड का तो कितना है, इट इज अराउंड 30 to 60 डेज का। वाइल पॉन्ड स्लाइटली लार्जर देन नर्सरी, अगर पॉन्ड लार्जर देन नर्सरी हुआ थोड़ा सा तो उसमें अराउंड हमको 25.4 टू 38.1 एमएम का साइज देखने के लिए मिलता है ऑर्गेनिज्म का, एंड इसको अराउंड ड्यूरेशन चाहिए 60 डेज का। देन पेरेनियल और सीजनल अगर पॉन्ड रहता है, ठीक है, सो इट इज डीपर अराउंड 1.82 के आसपास अगर रहता है तो इसमें स्टेज साइज जो रहेगी इट विल बी 9.0 टू 25.4, एंड इनका ड्यूरेशन पीरियड जो रहता है इट इज अराउंड 60 to 90। ओके, वाइल पॉन्ड कल्चर में अगर आप देखेंगे तो पॉन्ड में आपको 25.4 टू 50.8 एमएम के आसपास इनका साइज मिलेगा, एंड इनको अगेन ड्यूरेशन डे जो चाहिए होता है वो अराउंड 60 डेज का चाहिए होता है, ठीक है। सो यूजुअली फिश प्राइस जो रहते हैं, फिशरीज ऑफ इंडिया जो है वो बीजी झिंगरन के अंडर में इन 1988 में ये कल्चर किया गया था एंड उनकी ग्रोथ की गई थी। वाइल मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड्स, स्टॉकिंग पॉन्ड्स को अगर मैनेज करना है तो हम उसको किस तरीके से मैनेज आउट कर सकते हैं। सो कार्प फ्राई का जो साइज रहता है अराउंड स्टॉकिंग पॉन्ड्स का वो रहता है 75 to 125 mm एंड आर रिलीज्ड इन स्टॉकिंग पॉन्ड्स। ओके, सो द एम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड इज टू अटेन हाई प्रोपोर्शन, यहाँ पे हम हाई प्रोपोर्शन में या एज वेल एज हाई प्रोडक्शन के पॉन्ड में इसको शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में हम इनको कल्चर कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है आइए देखते हैं। फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ एक्वेटिक वीड्स, एक्वेटिक वीड्स आप चाहे नर्सरी में जाइए या रेयरिंग पॉन्ड में जाइए या स्टॉकिंग पॉन्ड में जाइए, कहीं पे भी जाइएगा तो एक्वेटिक वीड्स और प्रेडेटरी फिशेस को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो इराडिकेशन ऑफ प्रेडेटरी एंड वीड फिशेस बाय नेटिंग और बाय यूजिंग पॉइजन, देन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ता है, दैट इज इन ऑर्डर टू ऑगमेंट प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फूड पॉन्ड्स आर फर्टिलाइज एंड मैन्योर्ड विद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल के हम उसका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी वैल्यू जो रहता है वो इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें काउडंग डाला जा सकता है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम सल्फेट डाला जाता है, सिंगल सुपर सल्फेट डाला जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डाला जाता है इन द रेशियो 1:5:11:5:1 एंड एट द रेट ऑफ 1,000 to 15,000 केजी पर हेक्टर पर ईयर यूटिलाइजेशन में जाता है। वाइल कैरिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो एवरी पॉइंट सपोर्ट्स अ फिश बायोमास, ओके, सभी पॉइंट्स एक फिश का स्पेसिफिक बायोमास कैरी करते हैं अप टू सर्टन वेट लिमिट, सो द लिमिट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मैक्सिमम स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द पॉन्ड। ओके, देन उसके बाद में हाउ टू इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी किस तरीके से इंक्रीज की जा सकती है, इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। ओके, इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन मेथड के थ्रू अगर जाएंगे तो नंबर ऑफ फिश, ओके, नंबर ऑफ फिश टू बी स्टॉक्ड, नंबर ऑफ फिश टू बी स्टॉक्ड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वेट अपॉन, ठीक है, अपॉन इसका रेशियो निकाला जाएगा एक्सपेक्टेड इंक्रीज वेट ऑफ इंडिविजुअल फिश। ओके, इंडिविजुअल फिश के साथ में इनका वैल्यू निकाला जाएगा एंड जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, प्लस इसके साथ में हम एडअप करते हैं, ठीक है, प्लस हम एडअप करते हैं मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट मतलब कितने ऑर्गेनिज्म मर गए, ठीक है, सो मॉर्टेलिटी रेट निकाला जाता है एंड इट शुड बी मोर देन 10%, राइट। सो अगर मान लीजिए मैंने कतला का निकाला है, ठीक है, स्टॉकिंग रेट अगर हमने कतला का निकाला है तो कतला फिश का एग्जाम्पल मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में समझा देती हूँ आपको। अगर मान लीजिए टोटल एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वेट जो है वो अराउंड है आपके पास में 2,270 एंड इनटू यहां पर है आपका 1,000, सो इट इज अपॉन 908, दैट इज एक्सपेक्टेड इंक्रीज ऑफ वेट ऑफ इंडिविजुअल फिश, ठीक है, सो इट इज अराउंड
2500 जहां पे हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को कतला, रोहू और मृगल में इतने हिस्सों में डिवाइड करके निकाला है। सो एग्जाम्पल जो रहेगा वो आपके पास क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपको, एंड उसमें से आपको कैलकुलेट करके निकालना है। सो टोटल प्रोडक्टिविटी निकालनी है हमको 2270 केजी पर हेक्टर की, और उसमें से मॉर्टेलिटी रेट निकालकर हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेक्टेड इंक्रीज जो है वो निकाला है फिश का, एंड इसी के साथ साथ हम लोगों ने कतला का निकाला है, दैट इज 2500। वैसे ही रोहू का निकलेगा, सो रोहू का निकलेगा अराउंड 3335, एंड इसी के साथ साथ मृगल का निकलेगा दैट इज 5000। इज इट ओके? सो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर में बनते हैं, ठीक है। सो इट इज अ स्टॉक ऑफ 30:30:40 का कॉम्बिनेशन बनता है कतला, रोहू और मृगल का, एंड इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फिश फार्म मैनेजमेंट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड रही मेरे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।